अनुराग जी, बड़े पर्दे के लिए आपका चेहरा कोई दर्शकों के लिए नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से सिंधी फिल्म में आपकी एंट्री हुई, उसके बारे में आपके कैसे अनुभव रहे, उस बारे में बताइए। पहली बात तो अभी तक मेरी कोई रिलीज हुई नहीं है। तीन फिल्में कर ली हैं, दो पे काम चल रहा है, पर एक भी रिलीज हुई नहीं है। तो मेरा चेहरा काफी नया है लोगों के लिए। और सिंधी फिल्म ऐसे हुई कि कमल जी से मैं मिली थी हिंदी फिल्मों के लिए, पर उन्होंने मेंशन किया कि सिंधी फिल्म भी करते हैं वो, तो मैंने कहा करने में मजा आएगा, मेरी मदर टंग है, तो उस तरह से कर ली मैंने। बड़े पर्दे के लिए काम कर रहा, कोई बात नहीं, वो तो थोड़ी बातचीत भी हो तो कोई, लेकिन महक जी, बड़े पर्दे के लिए काम करना आपके लिए कोई नया अनुभव नहीं है, लेकिन सिंधी फिल्म में जिस तरह आपकी एंट्री हुई, उसके बारे में बताएंगे कुछ? सिंधी फिल्म में ऐसे कमल जी से मैं मिली थी हिंदी फिल्म के लिए, लेकिन फिर सिंधी फिल्म पे भी काम कर रहे थे वो, तो उस हिसाब से हमने कहा चलो काम करके देखते हैं और कहीं शुरुआत करते हैं। और मेरी मदर टंग रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि लेट्स ट्राई। अच्छी बात है कि मातृभाषा को आपने महत्व दिया, तवज्जो दी। आप ये बताइए कि भारतीय सिनेमा में किन अभिनेत्रियों से आप प्रभावित रही हैं? मोस्टली नरगिस, वैजयंती माला, वहीदा रहमान, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी। यानी नरगिस से लेके हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित तक के दौर की आपने फिल्में देखी हैं। क्या उस दौर को आप मानती हैं कि कभी हम दोहरा पाएंगे, जिसमें 60s और 70s में सिंधी अभिनेत्रियों यानी हिंदी सिनेमा की सिंधी तारिकाओं ने काफी अपना जलवा बिखेरा था, जिनमें साधना और बबीता भी शामिल हैं? क्या वो दौर फिर लौट पाता है, आप लौट पाएगा कभी? क्या आप इस बात का अनुमान लगा सकती हैं या इतनी आश्वस्त हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट देखा जाए तो करिश्मा और करीना पार्टली 50% सिंधी हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सिंधी लड़कियां इस इंडस्ट्री में नाम नहीं कमा सकती। क्या आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा का वो कौन सा पहलू है जिसमें हम अभी सिंधी भाषियों ने अपनी दखल साबित नहीं की है, या हम अपने को उतना काबिल सिद्ध नहीं कर सके हैं? जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके डायरेक्शन और प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो ऐसा कौन सा पहलू है जिसे हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं? हिंदी फिल्म देखा जाए अभी काफ़ी कमर्शियल हो रहा है, इट इज़ लिटरली हॉलीवुड के इक्वल हो रहे हैं, पर सिंधी फिल्में अभी तक बहुत ही रूटेड हैं, कल्चर्ड हैं, तो उस हिसाब से सिंधी फिल्में और हिंदी फिल्में उस हिसाब से अलग है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कहते हैं ना कि इतिहास अपने को दोहराता है, तो साधना ने जिस फिल्म से शुरुआत की थी अपने करियर की, वो एक सिंधी फिल्म थी, अबाना। तो आपने भी एक सिंधी फिल्म से शुरुआत की है, क्या हिंदी फिल्मों में भी इतनी लगन और समर्पण की भावना से आप काम करना चाहेंगी? बिल्कुल, इनफैक्ट एक हिंदी फिल्म की है मैंने जो फिल्म्स डिवीजन की है, तो वो एक फेस्टिवल फिल्म है बेसिकली, तो अच्छा, सिंधी बच्चों को हम सिंधी भाषा की तरफ क्या केवल फिल्मों के माध्यम से ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, या उसके और भी तरीके हमें कोई और नए टोने टोटके खोजने होंगे? पहले तो उन्हें भाषा सिखानी चाहिए, घर में बोल बोल के भाषा सिखानी चाहिए, और कल्चर समझाना चाहिए, फेस्टिवल समझाने चाहिए, और इसी हिसाब से फिर उनका इंक्लिनेशन बढ़ेगा। अच्छा, आप हमें ये बताइए महक जी कि हिंदी फिल्मों में प्रख्यात निर्देशक रहे हैं सिंधी भाषी, अभिनेता भी रहे हैं, अभिनेत्रियां भी रही हैं, गीत संगीत की ओर क्या हमारा रुझान कम है, या अच्छे संगीतकार हम नहीं दे पाए फिल्म जगत को, क्या इसको कमी के रूप में महसूस करती हैं आप? मैं फिर वही कहूँगी कि हम काफ़ी रूटेड हैं अपने कल्चर वैल्यू से, और ज़्यादा वेस्टर्न से प्रभावित नहीं है अभी तक। तो अभी तक हमारा म्यूज़िक वही जो फोक होता है, सिंधी फोक, उसी तरह से है। अच्छा पूछो, अच्छा तो पूछो। महक जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिंधी और हिंदी फिल्मों में
अन्य पहलुओं की तो हमने बहुत, उसके प्रति हम गंभीर रहे, अभिनय के प्रति, निर्देशन के प्रति, लेकिन गीत संगीत के प्रति भी क्या हमारा वैसा ही समर्पण रहा है? ऐसे कोई नाम आपको याद आते हैं जिन्होंने हिंदी या सिंधी फिल्मों में संगीत के माध्यम से अपना योगदान दिया हो? इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिस्टर घनश्याम वासवानी, उन्होंने हिंदी और सिंधी दोनों में ही अच्छा काम किया है। और उस हिसाब से अगर आप हमारे फिल्म का म्यूजिक सुने तो पिछली सिंधी फिल्मों से बेहतर है। सिंधी फिल्म प्यार करे डिस में तहां जे को मुख्य नायिका जो चाहूंगा, सिंधी फिल्म प्यार करे डिस में तहां अभिनेत्री जो रोल कयो है, तहां के ना रोल सा केतरो सेटिस्फेक्शन आ? मां जेतरो भी कम कयो थोड़ो हो पर करण में जाम मजो आयो। और कमल जी जी गाइडेंस में अन्या सिखियो मां, और पांजे रोल सा मां जाम खुश हां। मग जी सिंधी थिएटर ए सिंधी फिल्म मा तहां के कोई हिको हिक गाल सिलेक्ट करण ला चयो ने तो तहां छा सिलेक्ट करना? फिल्म्स ओनली। एने फिल्म्स हिको जेको आ तहां जे लाइ भी जुनून आ, जी प्यार करे डिस जे बेन कलाकारन ला हिक जुनून आ, तो तहां सा मा बस हिको सवाल बियो कंदस, असा जे जेके युवा साथी हन उनन के कहड़े डायरेक्शन में अगते वधन खपे, और वो बिजनेस जे प्रति जेके इन कंसंट्रेट रहन, ए उनन के पेंजे जेके आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स उने जे बारे में भी थोड़ो सीरियस थन खपे, उने जे ला असा छा क्यों, कहड़ी कोशिश क्यों? बिजनेस तो सिंधियन जे खून में हुंदो आ, त बिजनेस को परे तो रखी न तो सकजे, पर आर्ट की तरफ हुजण घुर्जे, वो थोड़ो सैटिस्फाइंग। हाँ, त काथे बैलेंस फाइंड आउट करण घुर्जे, बैलेंस गोलन घुर्जे कि आर्ट और बिजनेस भई संभाले। भाई इम्पोर्टेंट है, बिना पैसे जे तो कोई भी बिजनेस जेको आ कोई करियर नथो ठाहे सके प्रोफेशन पे जो। फिल्म डायरेक्टर्स के भी कड़ी कोशिशों करण खपन, जी सिंधी यंगस्टर्स एक्टिंग जे फील्ड में, म्यूजिक जे फील्ड में अॻिते अची सघनि। बस सुठी स्क्रिप्ट्स लिखन, सुठी फिल्मों ठाहन, एंटरटेनिंग फिल्मों ठाहन, थोड़ो सोशल ड्रामा हुजे, मैसेज भी हुजे कल्चर जे बारे में, ऐं बस उन हिसाब सां सिखी वेंदा सभु कीअं सुठी फिल्मूं ॾिसणियूं। मार्क थैंक यू वेरी मच इन ॻाल्हि बोल रहे हैं।